परेशान किया जा रहा, हम ऐसे मानेंगे नहीं। कुछ यूपी के उन्नाव में औद्योगिक क्षेत्र बंथर और दही क्षेत्र में संचालित स्लॉटर हाउसों में चोरी की भैंसे बड़े स्तर पर स्लॉटिंग हो रही हैं। यहां अलाना ग्रुप की एग्रीकॉम स्लॉटर हाउस के अंदर से चोरी की भैंसे बरामद होने से एक बार फिर जिले के अफसरों से लेकर सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल उन्नाव में 6 दिन पहले असोहा थाना पुलिस ने चोरी की स्लॉटरिंग के लिए ले जाई जा रही एक भैंस को सबसे बड़े अलाना ग्रुप के एग्रीकॉम स्लॉटर हाउस के अंदर से बरामद किया, जिसमें पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। वहीं ग्रामीण किसानों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र से चोरी हुई 4 भैंसों में से एक स्लॉटर के अंदर से बरामद हुई, तो स्लॉटर प्रबंधक पर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की। वहीं ग्रामीणों ने असोहा पुलिस और स्लॉटर प्रबंधक की मिलीभगत का भी गंभीर आरोप लगाया है। लगभग 2 दर्जन पीड़ित किसान उन्नाव जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचकर असोहा पुलिस की कालगुजारी का खुलासा किया है। वैसे तो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान की भैंसे चोरी होते ही रामपुर से लेकर राजधानी तक पूरा सरकारी अमला हिल गया था। पूरे प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसे खोजने में जुट गई थी, लेकिन आम आदमी का रुतबा इतना कहां। जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत के लिए खड़े बुजुर्ग लाला, जिनकी भैंस 24 अगस्त को घर के बाहर से चोरी हो गई थी, आनन फानन में असोहा पुलिस एक्शन में आई और स्लॉटरिंग के लिए ले जाए जा रही भैंसों का पीछा कर अचलगंज स्थित एग्रीकॉम स्लॉटर के अंदर से 4 भैंसों में से एक पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसके बाद अन्य 3 भैंसे पुलिस ने अब तक नहीं बरामद कराई। वहीं पीड़ित किसानों का आरोप है कि पुलिस स्लॉटर प्रबंधक से मिलकर स्लॉटर प्रबंधक पर अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रही है, जबकि ना ही स्लॉटर प्रबंधक पर कोई कार्रवाई की, जिसको लेकर करीब 2 दर्जन किसान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर असोहा पुलिस की कालगुजारियों का खुलासा किया है। पीड़ित किसानों का साफ कहना है कि अगर स्लॉटर हाउसों के प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। देखिए एक रिपोर्ट उन्नाव से। हम लोगों को परेशान किया जा रहा, हम ऐसे मानेंगे नहीं। कुछ उन्नाव के अलाना ग्रुप के एग्रीकॉम स्लॉटर हाउसों में चोरी की दुधारू भैंसों की जमकर स्लॉटिंग हो रही है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, एक के बाद एक तमाम तरह के खुलासे किए, और आज जो खुलासा होने जा रहा है वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जिलाधिकारी कार्यालय है, और जिलाधिकारी कार्यालय में लोग ग्रामीण जो हैं वो अपनी शिकायत लेकर आए हैं। हम साहब से अपनी इस बात कह रहे हैं, क्योंकि जो इनकी चोरी की भैंसें हैं वो लगातार गांव से चोरी होकर स्लॉटर तक पहुंच रही है, लेकिन इनकी भैंसें अभी तक बरामद नहीं हुई। हालांकि एक भैंस जरूर बरामद हो गई है, लेकिन स्लॉटर प्रबंधक पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरह की FIR नहीं की गई। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। आखिर स्लॉटर प्रबंधक पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? आज के 4 रोज हो चुके हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम वहाँ पर जाते हैं तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, भगा दिया जाता है। थाने भी गए, वहाँ भी बोले कि तुम्हारा काम हो जाएगा, वहाँ भी भगा देते हैं, और जब एग्रीकॉम गए तो वहाँ पर से भगा दिया। आज हम DM कार्यालय आए हैं, यहाँ पर भी पेश किया, अगर यहाँ नहीं काम होगा तो हम शासन प्रशासन तक आगे काम करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे साथ देख लो तस्वीरें, 20 आदमी हमारे गाँव से आया है, हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग योगी बाबा के पास भी पहुँच सकते हैं। कितने दिन बीत चुके हैं और कितनी भैंसे गायब हुई थी गांव से, और कितनी भैंसे आप लोगों की बरामद हो पाई हैं? 3 भैंसे हमारी अभी तक गायब हैं, एक भैंस बरामद हुई है, वो भी स्लॉटर में कट चुकी 3 जब हम पहुंचे। 8:30 बजे स्लॉटर के चलने का आदेश है, लेकिन 7:30 बजे स्लॉटर चल चुका था। जब हम वहाँ 7:30 बजे पहुँचे तो हमारी 3 भैंसे कट चुकी थी, एक मिली तो एक बरामद कर दी। हमारे साथ असोहा का प्रशासन भी था, लेकिन प्रशासन को अंदर ले जा करके अपने अंदर जो पैसे दिया हो या ना दिया हो वो अपनी तरफ कर लिया। सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की भैंसों को स्लॉटर में स्लॉटरिंग की जा रही है, उनको काटा जा रहा है, लेकिन भैंस जो है एक भैंस जो वहां से बरामद होती है उसके बाद भी किसी तरह की कोई भी FIR दर्ज नहीं होती, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सीधे तौर पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बालेन। बालेन जी, आपके गांव में भैंसे चोरी कांड चल रहा है और ये भैंसे स्लॉटर से बरामद हो रही है, क्या कहेंगे?
भैंसें स्लाटर से बरामद हुई, एक भैंस स्लाटर से बरामद हुई और तीन भैंसें नहीं मिली। वो हमारे साथ असोहा का पूरा प्रशासन था, एसओचओ साहब थे और एक भैंस हमको दिला दी गई और उसके बाद कहते हैं कि जाइए कार्रवाई हो रही है। ना तो वो ड्राइवर पकड़ा गया, ना तो कोई पकड़ा गया, ना तो डाला पकड़ा गया है। अभी तक चार दिन हो गए हैं। हम थाने गए थे तो थाने में भी आश्वासन दिया जाता है कि जाइए तुम्हारे काम में ही लगे हुए हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा हो रहा है, जब पुलिस प्रशासन ने रंगे हाथों जो है आपकी भैंस स्लाटर के अंदर से बरामद की, उसके बाद स्लाटर प्रबंधक और मैनेजर पर किस तरह की कार्रवाई की गई अभी तक? ना तो स्लाटर प्रबंधक पर, ना तो मैनेजर पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों को वहाँ धरना दे रहे थे तो हम लोगों को वहाँ ज़बरदस्ती भगा दिया गया और एक भैंस लेकर और तीन भैंस वहाँ कट गई हैं। अब प्रशासन से यही गुहार है, डीएम साहब के पास आए हैं कि हमारी मदद की जाए और हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारी यही रोजी रोटी है, हम कैसे का होगा। देखिए, साफ तौर से ये किसान थे, अपनी बात कह रहे थे क्योंकि इनके जो दर्द हैं वो किस तरह से आप कैमरे में देख सकते हैं, क्योंकि इनके गांव में जो भैंसें हैं वो चोरी हो रही हैं और चोरी की भैंसें स्लाटर में काटी जा रही। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा संदीप यादव नाम है। संदीप जी, आपके गांव में भैंसें चोरी होकर स्लाटर में कट रही हैं, क्या कहेंगे? सर, ये तो हम कहते हैं कि इनको ढूंढा जाए और स्लाटर हाउस में कैसे आती हैं। अगर हम लोग अपने घर पे रखते हैं, चोर कैसे लेके आ जाते हैं? हम लोग अगर कुछ छेड़खानी करते हैं तो उसमें हमारा तो तुरंत प्रशासन काम करने लगता है, तुरंत पकड़ के ले जाता है, और वो लोगों को कहाँ पकड़ा जाए? हम लोग तो पकड़ नहीं सकते। अगर ये प्रशासन के भरोसे हम लोग रहते हैं तो प्रशासन को ऐसा काम करना चाहिए ना। अगर जैसे हमारी चार भैंसें चोरी हुई, चार में एक कैसे मिली वहाँ पे? अगर जैसे एक भैंस मिली है, तीन भैंस कैसे गायब हुई वहाँ से? जैसे लाद के कोई लाएगा तो चारों लाएगा, और एक कैसे मिल गई, तीन कहाँ गई? हम लोगों को परेशान किया जा रहा, हम ऐसे मानेंगे नहीं कुछ। डीएम ऑफिस आए हैं, हमारी बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो हम लोग ऊपर जाएंगे। तो साफ तौर से देख सकते हैं जो लोग ग्रामीण हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्नाव के अलाना ग्रुप के स्लाटर हाउसों में जिस तरह से चोरी की भैंसों की स्लाटिंग हो रही, इससे साफ तौर से अंदाज़ा लगता है कि स्लाटर प्रबंध और स्लाटर के मैनेजर उनके सप्लायर मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ये खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन किस तरह हरकत में आता है, किस तरह की कार्रवाई करता, देखना दिलचस्प होगा। उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र बंथर और दही क्षेत्र में संचालित स्लाटर हाउस में चोरी की भैंसे की जमकर स्लॉटरिंग हो रही है। सप्लायरों और स्लाटर प्रबंधक की साठगांठ से अवैध गोरख धंधा बड़े स्तर पर फल फूल रहा है। आपको बता दें कि अलाना ग्रुप के स्लाटर हाउसों के आतंकवादियों को पाला जा रहा है। एटीएस ने खुलासा करते हुए आतंकवादी गिरफ्तार कर लिया था। यही नहीं, इसी अलाना ग्रुप के ही यूनिट 2 एग्रीकॉम स्लाटर हाउस में बाल श्रम करते श्रम विभाग ने कई नाबालिगों को भी रेस्क्यू कर बरामद किया था। हम लोगों को परेशान किया जा रहा, हम ऐसे मानेंगे नहीं कुछ।